नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ठाणी की खबरों की। बात करते हैं सीकर के नीमका थाना की, जहां सदर थाना अंतर्गत गांव गोड़ावास में 5 महीने पहले भगाई गई नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया। मामले में सदर पुलिस ने आरोपी कमलेश जाट को गिरफ्तार किया। वहीं कमलेश पर आरोप है कि उसने गोड़ावास गांव से एक नाबालिग बच्ची को भगाकर 5 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में ऐसा सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है, जिसमें कॉलेज समय का एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसकी शादी के 5 वर्ष बाद तक भी ब्लैकमेल कर यौन शोषण ही नहीं करता रहा, बल्कि उसे आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक कर डरा धमका कर नकदी सोना चांदी ऐंठता रहा। निजी कॉलेज संचालक की पुत्री के साथ एक घिनौना कृत्य उसका प्रेमी करीब 5 साल से कर रहा था। वहीं युवती ने हिम्मत करके सारी जानकारी अपने माता पिता को दी। युवती ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे में एक बड़ा हादसा हो गया। मकान के पीछे खोदे गए गड्ढे के कारण एक मकान ढह गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा अन्य 4 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि रमजान का महीना चल रहा था, ऐसे में परिवार के लगभग 6 लोग सहरी करने गए थे, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। मकान के मलबे में दबने से 3 की मौके पर ही मौत हो गई तो अन्य 4 को बाहर निकाला गया। भरतपुर के रूपवास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए जा रहे अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में करीबन 500 बालिकाओं एवं महिलाओं को लघु उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर संचालक दिनेश राजावत ने बताया कि शिविर में 500 बालिकाएं एवं महिलाएं अपना पंजीकरण करा चुकी हैं। शिविर का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाता है। इस 40 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई मेहंदी रंगोली संगीत एवं नृत्य गृह साज सज्जा ब्यूटी पार्लर एवं कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जयपुर के जोबनेर कस्बे के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बंदे के बालाजी का 3 दिवसीय 51वां वार्षिक मेला शुरू हुआ। मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने बजरंग बली के दर्शन किए। मेले में आसपास के गांव समेत जयपुर सीकर नागौर अजमेर सहित कई जिलों से आए श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए। मंदिर में दर्शन को लेकर भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहा। वहीं मेले में व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा है। प्राइवेट पॉइंट पर पुलिस के जवान तैनात रहे। बालाजी चौकी प्रभारी रजनी कुमारी सहित पुलिस के कई जवान मेले में व्यवस्था बनाने को लेकर मौजूद रहे। जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान मोर्टार फटने से 9 जवान घायल हो गए। 51 mm का मोर्टार बैरल से निकलने के बाद महज 10 फीट की दूरी पर ही फट गया। घायलों को रामगढ़ PHC लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी घायल जवानों को पहले जैसलमेर और बाद में उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। सभी घायल 112वीं वाहिनी के थे। सिरोही के आबू रोड मानपुर चौराहे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर असामाजिक तत्वों ने हरा रंग डाल दिया। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस भाजपा और विभिन्न समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए मानपुर चौराहे पर जाम भी लगा दिया। आखिरकार सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। जयपुर के जोबनेर में जयपुर ग्रामीण SP डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद चौधरी के निर्देश पर ऑपरेशन अवैध शराब दुकान पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांवों में कार्रवाई की जा रही है। शराब के अवैध दुकानों पर हो रही अंधाधुंध कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान के तहत अब तक 2 दर्जन से अधिक दुकानों और रेस्टोरेंट पर छापेमारी करके 2 लाख से अधिक रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। वहीं महावीर चोटिया ने कहा कि कहीं किराने की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी तो कहीं रेस्टोरेंट को मधुशाला बनाया हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में कई दर्जन अवैध शराब की दुकानें संचालित होने लगी थी। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के बेरा गांव में अज्ञात नकाबपोश चोरों ने एक घर में प्रवेश कर वहां सो रहे पति पत्नी पर हमला कर लाखों की लूट कर ली। अज्ञात नकाबपोश चोरों ने पहले महिला सीता शर्मा के पैरों को तलवार से काटकर उसकी कड़ियां लूटने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे सीता ने स्वयं ही अपने पैर की कड़ियां उतार कर दे दी। इसके बाद चोरों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे पति घायल हो गया। बाद में चोर घर में रखे 3 किलो चांदी, 5 तोला सोना व 1 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के डीग में चमत्कारी बाल हनुमान मंदिर की दीवार से एक पिकअप गाड़ी के टकरा जाने से मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। मंदिर के महंत ने बताया कि वे रात को मंदिर में सो रहे थे। इस दौरान रात करीब 2 बजे किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई। इस पर महंत ने देखा कि एक पिकअप असंतुलित होकर मंदिर की दीवार से टकरा गई। भरतपुर के डीग में निजी विद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों की जांच की। अजमेर के पीनसंगन पंचायत समिति परिसर में तराजू बाट जांच पड़ताल अभियान शुरू हुआ। इस 7 दिवसीय अभियान के तहत तराजू बाट की गुणवत्ता की जांच की गई।
भरतपुर के वैर में गांव सिरस में 3 दिवसीय मुकाबला कीर्तन दंगल का समापन हुआ। कीर्तन दंगल में 4 गायक मंडलों ने भाग लिया, जिसमें गायक कलाकारों ने गायन की प्रस्तुति दी। वहीं दंगल में वैर, रहीमगढ़, जगजीवनपुर, नहरपुर, गांगरौली, नावर, भोपर, मोखरौली, सीतामढ़ा सहित कई गांवों के श्रोताओं की भीड़ मौजूद रही। आपको बता दें कि सिरस गांव में प्रेतराज भक्त मंडल की ओर से पिछले 35 वर्षों से मुकाबला कीर्तन दंगल का लगातार आयोजन होता आ रहा है। भरतपुर के वैर में श्री सिद्ध हनुमान धाम में श्रीमद भागवत कथा सप्ताह कथा का ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मथुरा के आचार्य लाल बिहारी कथा का वाचन कर रहे हैं। कोटा के इटावा में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान यहां अध्यापकों को गणित और हिंदी की पढ़ाई के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। शिविर में ब्लॉक के 99 शिक्षक भाग ले रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में उखंड के पोसालिया ग्राम में ATM चौकीदार से लूट के मामले में पालड़ी एम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि यह लूट का मामला 16 मई को हुआ था। वहीं पूछताछ में 4 मोटरसाइकिल, 70 बैटरी चोरी करने वारदात को पेट्रोल पंपों पर कार में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे देकर फरार होने की बात भी बताई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में मुख्यालय से ओवरलोड वाहनों की धड़ल से आवागमन हो रहा है। यातायात विभाग व पुलिस विभाग के नाकों तले ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहाँ बसें और टेम्पो टैक्सियां सहित अन्य वाहनों की भरमार है। इनमें दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग सतर्क नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। वही मामले में मृत्यु शॉक के ऊपर तृतीय नहाने गई महिलाओं के साथ आधा दर्जन लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए महिलाओं के साथ मारपीट की। कोटा के इटावा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। अतिक्रमियों ने JCB की सहायता से जमीन को समतल करवा दिया था। जानकारी मिलने पर पालिका प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जे में लेकर अपने बोर्ड लगवा दिए, जिससे अतिक्रमियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। धौलपुर के बसेड़ी में CMHO ने बसेड़ी CHC का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। अस्पताल में गंदगी देखकर CMHO बिफर गए। इस पर उन्होंने CHC प्रभारी को फटकार लगाई। CMHO ने स्टोर रूम सहित रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया, साथ ही कार्य में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी। अजमेर के रूपनगढ़ में काठोड़ा में इन दिनों दबंगों का आतंक है। ये दबंग पानी भरने के बाद हैंडपंप का हत्था ले जाते हैं। इससे दूसरे लोगों के सामने पानी भरने का संकट खड़ा हो जाता है। गांव में मीठे पानी का एक ही हैंडपंप है। जोधपुर के शेरगढ़ में खिरजा खास गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान संत श्री राम शुक्ल महाराज ने कहा कि परोपकार करने वालों को हमेशा मनुष्य योनि ही मिलती है। इस दौरान भगवान कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग हुआ, साथ ही भगवान कृष्ण रुक्मणी विवाह की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। चित्तौड़गढ़ के अकोला में निलोद गांव में एक ही जाति के दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी कुल्हाड़ी लेकर हमला कर दिया। हमले की सूचना अकोला थाने में दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना थाने में देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। चित्तौड़गढ़ के अकोला में क्षेत्र के भीमखंड दुग्ध उत्पादक सरकारी समिति पर समारोह आयोजित कर सदस्यों को दर अंतर राशि वितरण की गई। समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ डेयरी दुग्ध संचालन आलोक चतुर्वेदी थे। समारोह के मुख्य अतिथि चतुर्वेदी द्वारा दुग्ध उत्पादकों को वर्तमान में दी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। भरतपुर के डीग में औ गेट पर सांवरे वाले हनुमान जी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हुआ। कथा के शुभारंभ के दिन प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश लेकर चल रही थी। भीलवाड़ा के आसिन तहसील के हतान ग्राम में पानी की समस्या होने पर भी प्रशासन बेखबर है। ना टंकरों की कोई सुविधा है। इस ग्राम में पंचायत के कर्मचारी से पूछते हैं तो उनका जवाब मिलता है, अभी भी टेंडर नहीं हुए हैं। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां पुलिस थाना क्षेत्र के एक किराने की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग से 3 फ्रिज, 1 कूलर व किराने आदि का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस घटना से पीड़ित दुकानदार को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदार विकलांग है। प्रशासन से आपदा प्रबंधन कोष व विद्युत विभाग से आर्थिक सहायता राशि दिलाने की गुहार की है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में उपखंड क्षेत्र के मात्र कुंडिया निवासी वीर सपूत शहीद जगदीश वैष्णव की 15वीं पुण्यतिथि आज प्रातः काल मनाई गई। इस अवसर पर कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने प्रतिमा के पास चौराया पर हाई मास्क लाइट व जल मंदिर व शहीद पार्क के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं शहीद के परिवार को सरकार की ओर से 15 बीघा जमीन देने की घोषणा की थी। उन्हें 8 बीघा जमीन तो मिल गई, लेकिन शेष 7 बीघा के लिए कई बार सरकार से गुहार लगाने के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में परशुराम सर्किल पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा केरल में बछड़ा काटने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जनों द्वारा खुलेआम गाय के बछड़े को काटे जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रोष व्यक्त करते हुए परशुराम सर्किल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। उदयपुर के कोटड़ा में कस्बे में लगे 2 ATM पिछले सप्ताह भर से खराब पड़े होने से लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। पंचायत समिति मार्ग पर SBI के ATM में रुपए नहीं होने से लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके अलावा बैंक में लंबी कतारें अभी नोटबंदी का समय याद दिला रहा है। वहीं बैंक प्रशासन का कहना है कि ऊपर टेक्नीशियन को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत जलिया के अटल सेवा केंद्र पर लोक अदालत का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 148 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 53 प्रकरण उपखंड न्यायालय के तथा 95 प्रकरण तहसील कार्यालय के निस्तारित किए गए। नागौर के मेडता सिटी में निकटवर्ती ग्राम पादू के थाने परिसर में CLG की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस व प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार थाने में CLG सदस्यों की बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए पानी व्यवस्था करवाने को कहा गया। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी सहायक अभियंता को पानी की सुचारू व्यवस्था को लेकर सूचित किया गया। बैठक में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर चर्चा की गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मोड़ियाखेड़ा बालाजी मंदिर में चल रहे मारुति राज महायज्ञ महोत्सव उफान पर है। 9 दिवसीय महोत्सव के 5वें दिन महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ अभियान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शन मंडल की सदस्य साध्वी प्राची ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत महात्माओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जैसलमेर के रामगढ़ में स्पीड ब्रेकर जानलेवा साबित हो रहे हैं। यहां लोगों ने अपनी मर्जी से ब्रेकर बना दिए। यहां रामगढ़ जैसलमेर सड़क मार्ग पर करीब 2 दर्जन ब्रेकर बने हुए हैं। आपातकालीन स्थिति में इन स्पीड ब्रेकर से देरी हो जाती है, जिससे जान पर बनाती है। इसी वजह से बीते सप्ताह एक बालिका और एक प्रसूता जान गंवा चुकी है। अजमेर के नसीराबाद में सावल मार्बल क्षेत्र से ओवरलोड वाहन बेखौफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं RTO DTO प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते लक्ष्य के मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पाली की देसुरी में उपखंड मुख्यालय के घाणेराव में स्थित कराड़ी नाड़ी में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण का देसुरी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी व स्टाफ द्वारा श्रमदान किया गया। घाणेराव की कराड़ी नाड़ी का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने हाथों से किया। देसुरी पुलिस थाना द्वारा इस कराड़ी नाड़ी गोद दिया गया है। सीकर के खंडेला में अचानक आए मौसम में बदलाव के कारण आसमान में चारों तरफ घने बादल छा गए और दिन में भी रात का एहसास हुआ। आसमान में छाए घने बादलों के कारण वाहन चालकों को भी दिन में हेडलाइट चलानी पड़ी। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक तेज ठंडी हवाओं का दौर शुरू हुआ, जिससे दुकानों के बाहर लगे अस्थायी सामान अस्त व्यस्त हो गए। तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश शुरू हुई, जिससे लोगों को पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। अलवर के राजगढ़ में कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर शिव प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में 25 जून को आयोजित होने वाले मेले एवं रथ यात्रा को लेकर मेला कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले से संबंधित एवं रथ यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में युवा मेला समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जसवंत सिंह नरूका को अध्यक्ष चुना गया। अजमेर के नसीराबाद में छावनी परिषद की लापरवाही सामने आ रही है। यहां मुक्तिधाम सड़क मार्ग की रोड लाइट्स बंद रहने से रात को राहगीरों को खासा परेशानी होती है। लाइट्स को बंद पड़े 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पाली की देसुरी में उपखंड के आना मार्ग पर एक अज्ञात कार वाहन चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर स्थानीय लोगों ने 108 की मदद से देसुरी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली रेफर कर दिया।
सीकर के अजीतगढ़ में 9 दिन पहले एक छात्रा के साथ कॉलेज संचालक द्वारा की गई अश्लील हरकत के मामले में ग्रामीणों ने अजीतगढ़ थाने का घेराव कर कॉलेज संचालक की गिरफ्तारी की मांग की। भीलवाड़ा के आसिंद में नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 में टंकी की सफाई समय पर नहीं होने से नगरवासी परेशान है। टंकी का पानी नालियों में सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर बहकर बाहर आ जाता है। यहां पानी की टूटी फूटी टंकी स्थापित है। नगरपालिका प्रशासन को बार बार इसके लिए अवगत कराया गया पर नगरपालिका प्रशासन सुने को अनसुना कर देता है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सार्वजनिक क्षेत्र पर धूम्रपान रोकने का लेकर जागरूकता पोस्टर का सांसद सीपी जोशी ने विमोचन किया। इस अवसर पर जोशी ने कहा कि नशे से युवा पीढ़ी बचाकर देश को प्रगति में लगाना है। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहे। अलवर के राजगढ़ में कस्बे के खरखड़ा चौराहे पर मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भजन लाल का अलवर जाते समय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रशासन कार्यकर्ताओं के द्वारा बताई गई समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। साथ ही कस्बे में 4 माह से गौरव पथ के निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में क्षेत्र में बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली। इसी के साथ मौसम खुशनुमा हो गया। बच्चों ने भी बरसात का जमकर लुत्फ उठाया। लंबी बरसात से तापमान में अचानक गिरावट से किसानों के चेहरे खिल उठे। भरतपुर के वैर में गांव लखनपुर में बिजली विभाग के सहायक अभियंता विवेक शर्मा ने क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जिसमें 40 टीम भाग ले रही हैं। पहले मैच में समराया की टीम ने लखनपुर की टीम को 5 विकेट से हराया। इस मौके पर अनेकों लोग मौजूद रहे। चूरू के सालासर में तेज आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों को प्रचंड गर्मी से निजात मिली। सिरोही के शिवगंज में पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन प्रधान जीवाराम आर्य की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा होने के साथ ही मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्य स्वीकृत नहीं होने पर सदस्यों ने रोष जताया। जिला परिषद सदस्य कुलदीप सिंह देवड़ा ने आदिवासी बाहुल्य कलदरी उत्तराभागली व काटे लाफली में मनरेगा के तहत पिछले 8 माह से कार्य नहीं होने पर रोजगार की समस्या के बारे में अवगत भी कराया। अलवर के रामगढ़ में बगड़मेव गाँव में पानी की किल्लत से महिलाएं 2 किलोमीटर दूर जंगल ट्यूबवेलों से पीने का पानी भरकर लाती है। गाँव में 2 पानी की टंकी और 4 हैंडपंप सालों से सूखे पड़े हैं। ग्रामीण महिलाओं ने पानी की टंकी पर प्रदर्शन किया और पानी की समस्या का समाधान करने पर अलवर भरतपुर मार्ग पर जाम लगाने की चेतावनी दी। अलवर के रैणी में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों को बड़ी बात तो यह भी देखने को मिल रही है कि ऐसा लगता है कि जल्दी मानसून आ चुका है। कोटा के रामगंज मंडी में खैराबाद पंचायत समिति के सुखेत थाना क्षेत्र के नया गांव में एक युवक के विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से हालत बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को गंभीर अवस्था में 108 की मदद से झालावाड़ रेफर कर दिया गया जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। अजमेर के पुष्कर में फीडर में मिट्टी व कचरा होने की शिकायतें मिलने के बाद पुष्कर पालिका अध्यक्ष ने फीडर की सफाई कराने के निर्देश दिए। वहीं गंदे पानी को रोकने के लिए एक बड़ा खड्डा जेसीबी की सहायता से खोद दिया गया। सफाई निरीक्षक ने बताया कि फीडर को साफ करने का कार्य आगे भी जारी रहेगा। बरसात के पूर्व फीडर में आई मिट्टी को ट्रैक्टर कड़ाई के माध्यम से एकत्रित किया गया। इसके बाद इसे बाहर निकाला जाएगा। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।